सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम है आप लोग एक बार फिर से हमारे टेक्नो रिव्यू हिंदी चैनल में। और दोस्तों, जियो ने लॉन्च कर दिया जियो मॉनसून हंगामा ऑफर 21 जुलाई से, मतलब कल से जियो ने लॉन्च कर दिया। और इस ऑफर में आप कोई भी पुराना फीचर फोन देके और 501 रुपए देके आपको जियो फोन 1 मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या क्या चीज आपको फॉलो करना है पुराना फीचर फोन देके जियो फोन 1 लेने के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप जियो फोन 1 को एक्सचेंज करके जियो फोन 2 ले सकते हैं, या क्या आपको जियो फोन 1 से जियो फोन 2 में अपग्रेड करना चाहिए। तो जो सारा आपका डाउट्स है, मैं आज इस वीडियो में सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर उससे पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करना है कोई भी फीचर फोन, मतलब कोई भी पुराना अगर आपके पास कोई ऐसा कोई फ़ोन है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये नोकिया 1100 है। तो ऐसा कोई अगर आपके पास फ़ोन रहे, कोई फीचर फोन रहे, तो आप इस फ़ोन को कैसे एक्सचेंज करके जियो फोन 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 या 6 टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना है, और कुछ टर्म्स ऐसा भी है जो दुकानदार फॉलो करेंगे जियो फोन 1 देने के टाइम। तो पहले चेक कर लेते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आपका जो फ़ोन है, आप जो एक्सचेंज करेंगे, वो किसी भी कंट्री का अगर फ़ोन रहे, मतलब अगर इंडिया का रहे, चाइना का रहे, या कोई भी कंट्री का फ़ोन है तो भी चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर फ़ोन वर्किंग होना चाहिए, मतलब फोन चालू होता है ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर फोन आपका डेड है, आपका फोन काम नहीं करता है, तो ऑब्वियसली वो चेंज करके नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है, आपका जो फोन है जो आप एक्सचेंज करने वाले हैं, जैसे कि ये जो फोन है ये नोकिया का बहुत ही पुराना फोन है, ये मैं एक्सचेंज करके जियो फोन 1 ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका जो फ़ोन आप जो एक्सचेंज करने वाले हैं वो जनवरी 2015 के बाद रिलीज़ होना पड़ेगा। मतलब वो अगर जनवरी 2015 के बाद रिलीज़ हुए है, तो आप उसको एक्सचेंज करके आप नया जियो फोन ले सकते हैं। और इसमें और एक बात है, वो फ़ोन अगर 2G फ़ोन है, 3G फ़ोन है, 4G नॉन वोल्टी फ़ोन है, या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो भी चलेगा। आप कोई भी फ़ोन एक्सचेंज करके जियो फोन ले सकते हैं। और अगला जो कंडीशन है, आप जियो फोन 1 एक्सचेंज करके फिर से एक नया जियो फोन 1 ले नहीं पाएंगे। और जो फ़ोन आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो अगर CDMA फ़ोन है, या फिर मतलब ऐसा कोई अगर पर्टिकुलर सिम कार्ड है जो उसमें चलता है और कोई सिम नहीं चलता है, ऐसा मतलब अगर कोई ऑपरेटर या फिर नेटवर्क लॉक्ड फ़ोन है, तो वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, फ़ोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और इसमें जो बैटरी है वो भी मतलब काम करना चाहिए। फ़ोन का अगर बैटरी बहुत ही ख़राब है, मतलब चालू करने के बाद 1 या 2 मिनट में अगर फ़ोन बंद हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, फ़ोन एकदम ठीक से काम करना चाहिए। पर आप जो फ़ोन एक्सचेंज करने वाले हैं, अगर उस फ़ोन का एक्सेसरीज या फिर बॉक्स, मतलब डब्बा आपके पास नहीं है, तो भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला जो टर्म है वो आपको बहुत ही माइनरली फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास जो फ़ोन है उस फ़ोन में अगर LCD डैमेज है, या फिर फ़ोन का कुछ पार्ट अगर मिसिंग है, जैसे कि कीपैड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कीपैड का कोई स्विच अगर मिसिंग है, या फिर फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसमें कोई दाग है, या फिर ऐसा कोई पार्ट अगर जला हुआ है, ऐसा कोई भी डैमेज है फ़ोन में, तो रिलायंस वो फ़ोन एक्सचेंज करके आपको जियो फोन नहीं देंगे। और फाइनली जो टर्म्स है वो दुकानदार फॉलो करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर फ़ोन का डब्बा नहीं है, फिर भी आपके फ़ोन में *#06# डायल करके दुकानदार IMEI नंबर चेक कर सकते हैं, और IMEI नंबर को जब वो उनके सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करेंगे, तो वहाँ पर पूरा डिटेल्स वगैरह सब कुछ उनके सामने आ जाएगा। अगर वो चेक करके ये पता चलता है कि आपके IMEI नंबर के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, तो आपको एक्सचेंज करके नहीं देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई फीचर फ़ोन एक्सचेंज करने जाएंगे जिसके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसा हुआ है, जिससे कोई पुलिस केस वगैरह कुछ हुआ है, तो आप उस फोन को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको फॉलो करना है एक्सचेंज करने के टाइम। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो जाता है, तो आपका जो पुराना फीचर फोन है वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको 501 देना पड़ेगा जियो फोन 1 लेने के लिए। तो जियो फोन 1 आपको मिल रहा है, जियो फोन 2 आपको नहीं मिल रहा है। और जियो फोन 2 के बारे में अगर बात करते हैं, जियो फोन 2 जो लॉन्च
होने वाला है 15 अगस्त को। उसका प्राइस होगा 2999 रुपीज़, मतलब 3000 रुपये दे के आप जियो फोन 2 खरीद सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जियो फोन 1 को एक्सचेंज करके जियो फोन 2 लेंगे, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ जियो ने अभी तक नहीं बोला है कि आप जियो फोन 1 को एक्सचेंज करके जियो फोन 2 ले सकते। और दूसरी बात यह है कि जियो फोन 1 खरीदने के टाइम हमें 1500 रुपये देना पड़ा था। आप जो 1500 रुपये दे रहे हैं, 3 साल के बाद अगर आपका फोन एकदम वर्किंग कंडीशन में रहे, बॉक्स वगैरह आपके पास है और आप कंटिन्यूअसली रिचार्ज करते रहे फोन में, तो आप 3 साल के बाद ये फोन आप वापस दे के 1500 रुपये फिर से ले सकते हैं। पर जियो फोन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। जियो फोन 2 के लिए आप जो 3000 रुपये दे रहे हैं वो रिफंडेबल नहीं है। तो आप अगर फोन को लेने के बाद अगर तोड़ देते हैं, पानी में फेंक देते, जला देते, कुछ भी कर देते, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, पर अगर आपके पास जियो फोन 1 है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं जियो फोन 2 में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो फोन 2 में ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। जियो फोन 1 में जैसा आप देख सकते हैं अभी के जैसा कीपैड है, वैसा कीपैड जियो फोन 2 में नहीं होने वाला है। जियो फोन 2 में ऐसा ब्लैकबेरी जैसा कीपैड होगा जिसमें ऐसा क्वालिटी कीपैड रहेगा, ऐसा कुछ चेंजेस है। और कुछ भी चेंजेस नहीं है हार्डवेयर वगैरह में, और जो iOS जियो फोन 1 यूज करते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं है। दोनों ही फोन में आपको WhatsApp, Facebook, YouTube वगैरह सब कुछ मिल जाता है, स्पीड एकदम सेम है। तो अगर आपके पास जियो फोन 1 है तो मत खरीदिए जियो फोन 2। जियो फोन 2 में ऐसा कुछ भी महाभारत नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।